हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में एंड कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हमें आज कवर करने हैं, राइट? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे जिसमें हमने जाना कि बुद्धिज्म के तीन पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं? दि बुद्धा, दि धामा, दि संघा। इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा कि कौन सी लैंग्वेज में है, त्रिपिटाकाज हैं, थ्री फोल्ड बास्केट है, वो सब पढ़ा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुद्धिज्म के सेक्ट्स के साथ, राइट? तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होते हैं ये आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन में, राइट? सो बुद्धिज्म सेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, इसको हमने तीन सेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने भी नहीं, इवन जो मॉन्क्स थे, नंस थे, जो भी थे स्पेशलिस्ट उस टाइम पे, उन्होंने डिवाइड किया है। पहला है महायना, सेकेंड है हिनायना, थर्ड है वज्रयाना। ठीक है, पहला जो है महायान, इसे ग्रेटर व्हीकल भी कहा जाता है। आइडल वर्शिप इज देयर, मतलब इसमें जो गौतम बुद्ध है उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। इट बिकेम पॉपुलर इन चाइना, जापान, कोरिया। तो चाइना में, जापान में, कोरिया में, जहाँ भी बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, वहाँ पे मैक्सिमम महायना सेक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है। सेकेंड आता है हिनायना। हिनायना क्या होता है? इट बिकेम पॉपुलर इन मगध एंड श्रीलंका। सबसे पहले तो ये बताया कि पॉपुलर कहाँ पे हुआ, मगध में, श्रीलंका में, यहाँ पे ये पॉपुलर हुआ। नो आइडल वर्शिप, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है इसमें। एंड लेसर व्हीकल, इसे लेसर व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, ग्रेटर व्हीकल किसे कहा जाता है? महायना। लेसर व्हीकल किसे कहा जाता है? हिनायना, राइट? थर्ड सेक्ट जो हमारा है वो है वज्रयाना। नाउ इट अपियर्ड लेटर, अब ये बाद में आया, पहले सिर्फ दो ही सेक्ट थे, ये थर्ड वाला थोड़े बाद में आया है। इन एट्थ सेंचुरी में ये आया है। ग्रियो रैपिडली इन बिहार एंड बंगाल। अब देखिए, ये इंडिया में ही रहा है, इंडिया से बाहर गया ही नहीं, इसलिए ज़्यादा फेमस भी नहीं है। ये जो है मेनली बिहार और बंगाल, यहीं पर पनपा है, ठीक है, यहीं पर फैला है। चीफ डीएटी, यानी जो मेन इनके देवता हैं जिनकी ये पूजा करते हैं, वो हैं तोरस। Did not treat meat, fish, wine, etc. as a taboo in dietary habits. जैसे हम बोलते हैं ना खाने में, अरे नवरात्रे चले हैं, मांस, मीट, ये सब नहीं खाना है ना। या फिर कई लोग होते हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, वो कुछ नहीं खाते। लेकिन वज्रयाना में जो है, मीट है, फिश है, दारू शराब जो भी है, इसको गलत चीज़ नहीं समझा जाता, इसको नॉर्मल समझा जाता है एंड कैन फ्रीली कंज्यूम दैम। जो भी वज्रयाना सेक्ट जो है बुद्धिज्म का, इसको फॉलो करते हैं, वो आराम से ये सब चीज़ें खा पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बुद्धिज्म सेक्ट्स के बारे में। तीन हमने सेक्ट्स हमने जाना, कौन सा कहाँ पर फेमस है ये जाना, ग्रेटर व्हीकल कौन सा है, लेसर व्हीकल कौन सा है ये जाना, किसमें मूर्ति पूजा होती है, किसमें नहीं होती ये जाना। ठीक है, तो बुद्धिज्म के जो सेक्ट्स थे वो हो गए हमारे कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस आपको सारी सारी प्राइसिंग डिटेल्स भी दे दूंगी एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज में हैं, अभी अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उसके इसमें नोट्स परचेज करना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि टाइम कंस्टेंट्स रहते हैं, राइट? सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, छोटा सा टॉपिक है ये भी, ये है कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जितनी तेज़ी से बढ़ा उतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो गया, तो ऐसा क्या था कि एकदम ख़त्म हो गया? तो बस दो चार पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे, हमारा वीडियो कंप्लीट। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, नोट्स जरूर मेंटेन करते रहें, आपके लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। फाइन, फर्स्ट पॉइंट है स्कम्बिड टू दी ब्राह्मणिक रिचुअल्स। तो ब्राह्मण्स के रिचुअल हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही होने लगे थे इनके रिचुअल्स भी। अब देखिए, बुद्धिज्म स्टार्टिंग में फैला क्यों इतना, मतलब ग्रोथ क्यों हुई इसकी, क्योंकि ये जो भी ब्राह्मण्स जो थे उनकी सुप्रीमेसी बढ़ गई थी, है ना? तो अब लोग जो है उनसे तंग आ गए थे, तो वो ऐसी जगह चाहते थे जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिले। तो मेनली जो लोअर क्लासेस थे वो बुद्धिज्म की तरफ आई, यहाँ पे उनको अच्छा स्टेटस मिला, रिस्पेक्ट मिली। लेकिन अब बुद्धिज्म में भी क्या होने लगा, वही ब्राह्मण्स वाले रिचुअल्स को फॉलो किया जाने लगा, वही सारे कर्म कांड आ गए, सच एज आइडल वर्शिप, जैसे मूर्ति पूजा है, ये भी यहाँ पे आ गया, विच बुद्धिज्म हैड अर्लियर डिनाउंस्ड। और बुद्धिज्म में क्या कहा गया था पहले, कि कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी, तो लोग इस चीज़ से थोड़े परेशान हुए, ठीक है, ये भी एक रीज़न रहा डिक्लाइन का। सेकेंड है यूज ऑफ संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली, संस्कृत का यूज स्टार्ट हो गया। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो पाली में लिखा गया था, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी पीपीएल, लेकिन अब क्या हुआ, संस्कृत यूज करने लगे,
लोग बुद्धिज्म में आए क्यों थे? क्योंकि उनको संस्कृत भाषा समझ नहीं आती थी। संस्कृत तो पढ़े लिखे लोगों को समझ आती थी, तो उनको संस्कृत समझ नहीं आती थी, कॉमन लोग, तो सारे के सारे कॉमन लोग बुद्धिज्म में आ गए। लेकिन बुद्धिज्म में भी क्या होने लगा, संस्कृत का यूज़ होने लगा, तो फिर इसका डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हो गया। पूरी लाइन पढ़ें तो यूज़ ऑफ संस्कृत विच इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन प्लेस ऑफ पाली विच इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। पाली थी कॉमन लोगों की भाषा, संस्कृत थी पढ़े लिखे लोगों की भाषा, तो कॉमन लोग कैसे संस्कृत पढ़ेंगे जब उनकी भाषा ही नहीं है वो, है ना? ये भी एक रीज़न रहा। थर्ड है रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, जो हिंदू धर्म था इसका पुनरुत्थान हुआ विद द प्रीचिंग ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य जी आए, इनके आने से जो हमारा ये धर्म था, ठीक है, इसका फिर से प्रचार होना स्टार्ट हुआ, राइट? तो फिर हिंदुइज्म फैलने लगा और बुद्धिज्म थोड़ा फिर दबने लगा। नेक्स्ट आता है डिटेरियरेशन इन द मॉरल स्टैंडर्ड्स अमंग द मॉन्क्स लिविंग इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। जो बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, मठ होती हैं, वहाँ पर जो मॉन्क्स रहते थे उनके जो नैतिक मूल्य थे वो गिरने लगे थे, ठीक है। मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है डिटोरिएट होने लगे थे, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न रहा डिक्लाइन का। नेक्स्ट आता है अटैक्स ऑफ हूणा किंग मिहिरकुला। जो हूण किंग थे मिहिरकुला मान जाता है, उन्होंने अटैक किया उस टाइम, फिर उसके बाद क्या हुआ कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने थे, बुद्धिज्म के सेक्ट और बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो वो हमने पढ़ लिया है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, पहली चीज़ तो ये कि हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक कंपाइल्ड वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी सो दैट आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, बट जैसे होता है ना कि साथ साथ में पढ़ना है, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सेकंड थिंग ये कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड राइट नाउ मुझे फॉलो करें, राइट? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, राइट? सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून।